एवरीवन, मैं हूँ नेहा और स्वागत है आप सबका फाइंड योर पैशन हिंदी में। एंड आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ कि हाउसवाइफ स्मार्ट कैसे बन सकती हैं। क्योंकि फ्रेंड क्या होता है ना, हाउसवाइफ अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करती हैं एंड बहुत सारी फैमिली में उन्हें इस चीज़ का, यदि मैं कहूँ तो, एक एहसास कराया जाता है कि यदि आप घर पर रहते हो तो आप उतने प्रोडक्टिव नहीं हो, आप कर क्या रहे हो, आप घर में ही काम कर रहे हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है और इसीलिए आज का ये जो वीडियो है ना, वो फुल्ली डेडिकेटेड है उन सारी हाउसवाइफ को। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपको स्मार्ट बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और ये जानकारी मैं इंटायर वीडियो में दूंगी, तो बिना स्किप किए इसे ध्यान से देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। तो चलिए बिना लेट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट की, और ये जो पॉइंट है ना, आई गेस इससे हर एक हाउसवाइफ गुजरती है, और वो ये है अपने आप को कम आंकना, या फिर आपके फैमिली मेम्बर या आपके रिलेटिव आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप कुछ नहीं करते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपनी नज़र में अपनी वैल्यू बढ़ाइए। आप खुद सोचिए कि यदि कोई वर्किंग वुमन है, यदि वो काम करती है 8 घंटे बाहर जाकर, तो वो 8 घंटे वो घर पे आकर नहीं देखती है कि घर में किसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन आप करती हैं। आप हमेशा अवेलेबल रहती हैं अपने रिलेटिव के लिए, अपने इन लॉज के लिए, अपने यदि कहूँ सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, या फिर अपने किड्स के लिए, अपने हस्बैंड के लिए हमेशा अवेलेबल रहती हैं जब भी उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो हम सब ऐसे ही हैं, हमें जब भी भूख लगती है मम्मा मुझे ये बना दो, यदि हस्बैंड को कुछ चाहिए मुझे ये दे दो, सास ससुर को कुछ चाहिए मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाने का मन कर रहा है। मतलब आप खुद सोचो, यू आर द ओनली वन जो कि ये सारा कुछ कर रही है और आपके कारण सबकी लाइफ में वो हैप्पीनेस है, वो यदि मैं कहूँ ना तो एक सुकून है जो कि आपके कारण है। तो अपने आप को कभी भी कम मत समझिए, और यदि आपको कोई कम समझता है ना, तो ये वीडियो डेफिनेटली आप उन्हें फॉरवर्ड करो ताकि वो ये एहसास कर सके कि आप कम नहीं हो। यदि कोई वर्किंग है, वो बाहर जाके पैसे कमा के ला रही है ना, तो आप भी घर पे रहकर सबको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। आई गेस मैंने कहीं पर पढ़ा था कि एक जो वुमेन होती है ना, वो टाइम पे नर्स भी बन जाती हैं, बच्चों के लिए टीचर भी बन जाती हैं, हस्बैंड के लिए मॉडल भी बन जाती हैं। मतलब कि आप एक इंटायर वर्ल्ड बना के रखे हो जो कि आपके ही कारण बनी है। तो अपने आप को बिल्कुल भी कम मत आंकिए, और यदि आपको कोई कम आंकता है तो आप प्राउडली बोलिए कि नहीं, मैं एक हाउस मेकर हूँ, एक हाउस वाइफ हूँ, और मेरे कारण इन सब की लाइफ स्मूथली चलती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट अपने मन में बहुत अच्छी तरह से बिठा लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेज योर टाइम। अब जहाँ मैं बात कर रही हूँ कि स्मार्ट हाउसवाइफ की, तो एक जो स्मार्ट हाउसवाइफ होती है वो क्या करती है, अपने टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करती है। क्योंकि यदि मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैंने अपने मैरिज के कुछ महीने पहले मैंने रिजाइन करा था अपने जॉब से, एंड आई वॉज लाइक कि मैं क्या करूँ, मुझे बस खाना बनाना है, घर पे क्लीनिंग के लिए तो हेल्पर आते थे हमारे, डोमेस्टिक हेल्प आते थे, तो वो सारा कुछ कर देती थी, एंड उसके बाद मुझे लगता था मैं करूँ क्या। तो मैं क्या करती थी, मैं करती थी पेंटिंग, मैं कभी कुछ नॉवेल्स पढ़ती थी, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करती थी जिससे मुझे खुशी मिलती थी। तो ये जो है ना, ये जो खुशी मिलना, ये क्यों मिलेगी, क्योंकि मैंने वो टाइम निकाला। ये टाइम मैंने कैसे निकाला, क्योंकि मैंने टाइम मैनेज किया। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है कि आप अपना टाइम मैनेज कीजिए। अब वो आप कैसे मैनेज कीजिए, देखिए उसके लिए आपको क्या करना है ना, कि आप एक दिन, सिर्फ एक दिन निकालिए, और उस दिन एक पेपर और पेन लेकर बैठिए, और अपनी इंटायर जो आपका डे रूटीन है ना, उसको आप उसमें लिखिए। ये देखिए कि आप कितने बजे सुबह उठती हैं, देन उसके बाद आप मॉर्निंग वॉक पे जाती हैं, कितने टाइम आपको ब्रेकफास्ट बनाने में लगता है, सारा कुछ आप उसमें लिखिए। और ये देखिए कि क्या आपको खुद के लिए टाइम मिल रहा है, और यदि नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आप शेड्यूल बनाइए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम अपने काम को टाल देते हैं, यार अभी ये चीज़ करने का मन कर रहा है, नेक्स्ट कर देंगे, कोई नहीं एक घंटा बाद कर लेंगे, बैठ जाते हैं। आलस के कारण क्या होता है, वो काम टलाता रहता है। बहुत बार ये करना, यदि मैं कहूँ ना, तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो कि हम सभी लोग करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ मैं स्मार्टनेस की बात कर रही हूँ, स्मार्ट वर्क की बात कर रही हूँ, तो स्मार्ट वर्क कैसे होगा, मैनेज करने से। तो आप अपना टाइम खुद से मैनेज कीजिए, आप ये देखिए कि आप कौन से टाइम में क्या करेंगी, ताकि एक प्रॉपर आपको खुद के लिए टाइम निकल सके। और ये जो टाइम आप निकालेंगी ना, इसमें आप क्या करोगे, ये मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताती हूं। तो अब बात करते हैं कि जो आपने टाइम बचाया उसमें आप क्या करोगे। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारा स्कोप है। एक जो हमारी जो आदत होती है ना कंप्लेनिंग की, हमारा जो एक
नेचर हो जाता है, यार मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं क्या करूँगी, मेरे जो पूरा टाइम है वो हस्बैंड बच्चे सास ससुर में निकल जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बेचारी नहीं फील करना है आपको। आपको जो आप टाइम निकाले हो उसमें आप वो करो जो आप करना चाहते हो। लाइक यदि आप कुछ सीखना चाहते हो, लाइक बहुत सारी वुमेन को मन करता है पेंटिंग सीखने का, या फिर सिलाई सीखने का, बुनाई सीखने का, कढ़ाई सीखने का, पार्लर कोर्स करने का, तो आप वो टाइम निकाल के वो कोर्स भी लगा सकते हो। या फिर आप इंग्लिश बोलना चाहती हैं, उसको सीखना चाहती हैं, तो आप वो कर सकती हैं। बहुत सारी वुमेन को पढ़ाई करने की मन करती है लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर पाती है जस्ट बिकॉज क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। तो जो टाइम मैनेजमेंट से आपने जो टाइम अपने लिए निकाला है ना, तो उसमें आप ये भी कर सकते हो। या फिर आप अपने मन का करो जो कि आपको खुशी देता हो, क्योंकि अल्टीमेटली गोल क्या है, आप खुश रहोगे तो आप अच्छा प्रोडक्टिव आपका डे होगा, आपका प्रोडक्टिव डे रहेगा तो अल्टीमेटली फ़ायदा किसको है, आपको और आपकी फैमिली को। तो आप चाहे तो या तो कुछ सीख सकते हो, या फिर अपने मन का आप कुछ बुक पढ़िए, मोटिवेशनल नॉवेल्स पढ़ सकते हो, या फिर जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप वो पढ़िए, पेंटिंग कीजिए, डांसिंग कीजिए, म्यूजिक सुनिए, वो सब कुछ जो कि आप करना चाहते थे लेकिन आपके पास समय नहीं होने के कारण आप नहीं करते थे। यदि आपको सच में कुछ सीखने का मन करता है तो दिस इज़ द टाइम जब आप ये कर सकते हो। यदि आपको सच में इंजॉय करने का मन करता है तो दिस इज़ द टाइम। ये एक ऐसा समय है जो कि आपने निकाला है अपने पूरे एक बिजी शेड्यूल से, तो इसे यूटिलाइज कीजिए और स्टॉप कंप्लेनिंग कि मुझे ये नहीं टाइम नहीं मिल रहा है, वो नहीं टाइम मिल रहा है। क्योंकि मैं मुझे लगता है ना कि मैंने ये बहुत सारी आई गेस 90% वुमेन जो हाउस वाइफ होती है ना, उनका यही होता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो क्यों नहीं मिलता है, आप निकालते नहीं हो। यदि आप खुद के लिए जिस दिन टाइम निकालोगे ना, वो टाइम ही निकलेगा और आप उसे अच्छी तरह से यूटिलाइज भी करोगे। तो इस पॉइंट को भी अगेन आपको ध्यान में रखनी है। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और वो ये है कि जो वर्किंग वूमेन होती है ना, वो क्या करती हैं, रोज़ अच्छी तरह से तैयार होती हैं, अच्छे कपड़े पहनती हैं, अच्छा सा मेकअप करती हैं और उसके बाद ऑफिस जाती हैं। और इसके कारण वो अपने आप को फिजिकली भी मेंटेन रखती हैं, क्योंकि उनको अपने कपड़ों में, अपनी बॉडी फिगर में अच्छा दिखना होता है। तो ये सेम आपको भी अप्लाई करना है। क्योंकि देखिए फ्रेंड, मोस्टली मैंने ये कहते सुना है ना हाउस वाइफ को कि यार मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं तो घर में ऐसे ही पड़ी रहती हूँ, मैक्सी पहन लिया, लोअर टी शर्ट डाल लिया, बस चिल मारती हूँ, कुछ नहीं करना मुझे, ना मेकअप करना, ना हेयर कॉम करना, कुछ नहीं करती है जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे बाहर नहीं जाना। मैं क्यों अपने आप को मेंटेन करूँ, क्या जरूरत है भाई, जितने घर के काम होते हैं वो मैं अच्छी तरह से कर ही लेती हूँ और बाद में जो टाइम मिलता है वो मैं आराम से रेस्ट करूँगी। बट ऐसी बात नहीं है, आप भी स्मार्ट और प्रेजेंटेबल दिख सकती हैं एवरी डे, और इससे क्या होगा कि आपकी खुद की पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी, एक स्मार्टनेस ऐड होगी जो कि आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने कुछ कपड़े छाटिए जो कि बहुत पुराने हो गए हैं, तो उसको हटाइए, किसी को दीजिए, किसी का भला कीजिए, और कुछ ऐसे कपड़े निकालिए जो कि डेली वेयर में आपको कंफर्टेबल भी रखे एंड आप उसमें देखने में भी अच्छी लगो। वैसे मैंने आपसे एक ऑलरेडी वीडियो शेयर करी है कि डेली वेयर में आप क्या पहन सकते हो जिससे आप अच्छे लगो घर पे, थोड़े से प्रेजेंटेबल लगो, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कुछ अपने उस तरह के कपड़े निकालो, साथ में डेली जब आप जाती हैं नहा के आती हैं तो अच्छा कपड़ा के साथ थोड़ा सा एक लाइट मेकअप करो। अगेन लाइट मेकअप पे भी, डेली जो मेकअप होती है उस पे भी मैं वीडियो ला रखी हूँ, वो भी मैं नीचे लिंक दे दूंगी, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इससे क्या होगा कि आप प्रेजेंटेबल लगोगे। यदि आप घर पे अच्छे से कपड़े पहनोगे तो आपको अपना फिगर का भी ख्याल रहेगा कि नहीं मुझे ज़्यादा मोटा नहीं होना है, मुझे आलस के कारण मैं अपना फिगर ख़राब नहीं कर सकती, मुझे भी थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखना है, मुझे स्मार्ट दिखना है। तो ये सारा चीज़ जब आप अपने अंदर लाओगे ना, आप खुद में नोटिस करेंगे कि आप काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लगेंगी। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी आप ही की एक हैबिट को लेकर, जो कि आई गेस मैं बचपन से अपनी मामा को भी देख रही हूँ, दादी को भी देखा था, मामा को भी देख रही हूँ, और आजकल मैं खुद के अंदर भी ये चीज़ें फील कर रही थी जो कि मैंने करना बंद कर दिया है, और वो ये है लेफ्ट ओवर खाना। क्या होता है ना कि यदि हमारे बच्चे ने कुछ छोड़ दिया, वो खा रहे थे कुछ छोड़ दिया, तो यार वो बर्बाद हो जाएगा, मैं खा लेती हूँ। हस्बैंड ने कुछ छोड़ दिया, मैं खा लेती हूँ। रात का खाना पड़ा हुआ है, कोई नहीं खाएगा, मैं खा लूँगी, कोई बात नहीं, मैं फ्रेश फूड नहीं खाऊँगी, मैं वही खा लूँगी। क्यों? आप घर में जब सबके लिए खाना बना रहे हो, आप जब घर में सबको अच्छा खिला रहे हो, फ्रेश खिला रहे हो, ताज़ा खिला रहे हो, तो क्यों आपको लेफ्ट ओवर खाना है?
आप उस चीज़ को आप एक काम कर सकते हो, यदि ज़्यादा खाना बच गया है तो ऑब्वियसली हम लोग भी उसे सुबह हो के सारे लोग मिलके खाते हैं, तो आप वो खाइए वो ठीक है, लेकिन किसी का रखा हुआ किसी का बचा हुआ बार बार आप यदि कंज्यूम करेंगी तो वो आपके हेल्थ के लिए ही खराबी है। और तभी मैक्सिमम हाउसवाइफ जो होती हैं वो वेट पुट ऑन कर लेती हैं, इट जस्ट बिकॉज क्योंकि हम चाहते हैं कि यार वो बर्बाद ना हो। लेकिन ये तब सही रहता है जब आपको उतनी भूख लगी हो। यदि आपको भूख नहीं है, आपको लगता है कि वो सिर्फ बर्बाद हो रहा है और आप सिर्फ इसी के कारण खा रहे हो, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप चाहें तो उसको आप अच्छी तरह से कोई पॉलीथिन में रख लीजिए। आप शाम में यदि आपके हस्बैंड या आपके घर के कोई भी मेंबर या आप खुद यदि बाहर जाती हैं तो आप किसी भी जानवर को दे सकती हैं, गाय को या कुत्ते को आप डाल सकती हैं, ताकि वो उस चीज़ को खा लें। ऑल्दो ये आपका फूड बर्बाद नहीं हो रहा है, लेकिन आप अपनी बॉडी में अननेसेसरी चीज़ें यदि नहीं डालोगे ना, तो वो आपके वेट को बढ़ाएगा भी नहीं, आप अपने फिगर को अपने फिजिक को अच्छी तरह से मेंटेन कर पाओगे। एंड ये आई गेस आप सब मुझसे एग्री करोगे कि ये हम सारी यदि हाउसवाइफ जो होती है ना, उन सबकी आदत होती है। एज ए यूट्यूबर मुझे घर से ही काम करना होता है, तो मैं हाउसवाइफ प्लस वर्किंग दोनों मैं घर पे ही करती हूँ। तो ये हैबिट थोड़ी बहुत मेरी भी थी, जो कि अब मैं बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ। तो आप अपने टाइम टेबल के ही हिसाब से खाइए, वो आपके फिजिक को भी मेंटेन रखेगा, आप फिजिकली भी एक्टिव रहेंगी, और आपको वो जो एक लेजीनेस की हमें जो प्रॉब्लम होती है ना, एक लथार्जी की जो प्रॉब्लम होती है, उसका वन ऑफ द रीज़न ये भी होता है अनटाइमली खाना, तो इस चीज़ को भी आप अवॉइड कीजिए। फ्रेंड्स, चूँकि यहाँ पे बातें हो रही है स्मार्ट हाउसवाइफ की, तो जो स्मार्टनेस होती है ना वो नॉलेज के बिना अधूरी होती है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आप अपने आप को अपडेट करके रखिए। अब देखिए, अपडेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकती हैं, आप न्यूज़ देख सकती हैं, अभी आप टॉप 50 या टॉप 10 के जो न्यूज़ आते हैं ना, आप वो देख कर भी अपडेट रह सकती हैं। वो शॉर्ट एंड क्रिस्प होते हैं, फटाफट से आप देख लोगे, जान जाओगे। या फिर जो जनरल नॉलेज होते हैं, आप अपने फ़ोन पर चाहें तो उस पेज को फॉलो कर सकते हो, आप फेसबुक के भी थ्रू कर सकते हो, इंस्टा के थ्रू कर सकते हो। वैसे वहाँ पर भी बहुत सारी पॉजिटिव एंड निगेटिव होती है, तो उसे डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अपने आप को आप जरूर अपडेटेड रखिए, चाहे वो वर्ल्ड वाइड हो या कंट्री वाइज हो या कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट में। और यदि आप इन सारी चीज़ों से खुद को अपडेट रखोगे ना, तो आपको खुद में बहुत अच्छी सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होगी, एंड जब भी लोग बातें करेंगे ना, तो आप वहाँ अपना ओपिनियन दे सकोगे। तो इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करूँगी कि कुछ स्टैंडर्ड तक आप अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाइए। उससे क्या होगा, एक तो आपके ट्यूशन के पैसे बच जाएंगे, बट उसके साथ साथ आपको भी बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। आप अपने बच्चों के बुक से खुद भी सीख सकती हैं एंड उनको भी पढ़ा सकती हैं। आई गेस 5, 6, 7 क्लास तक तो आप आराम से अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं। आप बस टाइम निकालिए उसके लिए, और आपको खुद में ना बहुत अच्छी फीलिंग होगी, और आपके बच्चे भी जानेंगे कि मम्मा को ये चीज़ आती है तो मैं चीटिंग नहीं कर सकता। यदि मम्मा ने मुझे ये पढ़ाया है और यदि मैं लिख के नहीं आऊँगा तो मुझे बड़ी डांट पड़ने वाली है, क्योंकि जो नॉलेज है ना वो खुद में आपको एक काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग देगा, एक नॉलेजेबल पर्सन होने की फीलिंग देगी, और वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन इन सारे के साथ साथ आपको एक और चीज़ का ख्याल रखना है, वो है आपका खुद का। क्योंकि क्या होता है ना, हम सबका ख्याल रखते रखते हम क्या करते हैं, हम खुद का नहीं ख्याल रखते। तो आप अपने ऊपर भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अपनी फिजिकली हेल्थ के ऊपर, अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर, अपने फेस पे, अपने हेयर पे, अपने ग्रूमिंग पे, इस सब पे आपको साथ साथ ध्यान देना है। अपने लिए टाइम निकालिए, मनचाही चीज़ कीजिए जिससे आपको खुशी मिले, और ज़रूर आप अपने रूटीन में ये शामिल करें कि आप या तो थोड़ा बहुत वॉक या थोड़ा बहुत एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, ताकि वो आपको स्ट्रेस फ्री रखे, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा। साथ ही यदि आपके कोई भी मेडिसिन चल रही हैं, लाइक थायराइड की या ब्लड शुगर की या कोई भी मल्टीविटामिन चल रही है ना, तो आप उसे टाइम पर लीजिए, क्योंकि यदि आप खुद का ख्याल रखोगे तभी तो पूरे घर का ख्याल रख पाओगे। एंड आई गेस ये मैंने हमेशा देखा है अपने घर में कि यदि मेरी मदर की या मेरी मदर इन लॉ की दोनों में से किसी की मेरी तबीयत खराब होती है ना, तो पूरा घर बिखर जाता है। एंड आप सभी मुझसे एग्री करोगे कि जो मम्मा होती है ना, बस उनका तबीयत ना खराब हो, बाकी किसी का भी हो तो चल जाता है, पता नहीं चलता, लेकिन मम्मा की तबीयत खराब होती है तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट है, यदि आप इनका ख्याल रखोगे ना, तो आप हाउसवाइफ से मूव कर सकते हो स्मार्ट हाउसवाइफ में। और ये जो स्मार्ट हाउसवाइफ की फीलिंग है ना, ये आपको काफ़ी अमेजिंग फीलिंग देगी और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड, मुझे आप जरूर बताइएगा ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, एंड ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा या नहीं। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं नेक्स्ट फ्राइडे फिर से मिलने आऊँगी एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।